नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा अहम है, लेकिन उस पर बात करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। इन्हें तो आप जानते होंगे, ये हैं जयप्रकाश नारायण, या कहें कि जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव। भारत की राजनीति में इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़े समाजवादी लीडर थे, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता को सीधे चुनौती दी। बहरहाल आप ये सब तो जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश महात्मा गांधी जी के प्रिय शिष्यों में से एक थे। महात्मा गांधी के इतने करीबी थे कि उनकी पत्नी प्रभावती देवी को साबरमती आश्रम की व्यवस्थापिका, मतलब मैनेजर बना के महात्मा गांधी ने वहां रखा था। उस समय के एक बहुत बड़े उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला, इन्हें भी आप जानते ही होंगे। घनश्याम दास जी भी महात्मा गांधी जी के प्रिय शिष्य थे, बड़ा सम्मान करते थे महात्मा गांधी का। गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला से कह रखा था कि मैं रहूं या ना रहूं, जयप्रकाश और उनकी पत्नी को किसी भी तरह की कोई आर्थिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद कई सालों तक घनश्याम दास बिड़ला जयप्रकाश और उनकी पत्नी प्रभा देवी का खर्चा उठाते रहे। समय आया इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को यह बात मालूम थी कि जयप्रकाश जी का खर्चा कहाँ से चल रहा है, लेकिन इस बीच क्या हुआ, महात्मा गांधी की मौत से लेकर और इंदिरा गांधी के बीच तक का जो समय था, उसमें जयप्रकाश राम मनोहर लोहिया जी के प्रभाव में आ चुके थे। वो अब एक पूरी तरह से समाजवादी नेता बन चुके थे और कांग्रेस की नीतियों की खुली आलोचना भी करते थे। इसका मतलब ये है कि उनका खर्चा तो घनश्याम दास बिड़ला उठाते थे, लेकिन वो आलोचना कांग्रेस की किया करते थे। इंदिरा गांधी को ये बात पता थी, इंदिरा गांधी को ये मालूम था कि जयप्रकाश जी का खर्चा कहाँ से चलता है। तो एक दिन इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि जयप्रकाश जी, आपका खर्च कैसे चलता है। इतना सुनना था कि जयप्रकाश भनभना उठे, शायद उनका राज इंदिरा गांधी के सामने खुल चुका था, क्योंकि वो सबके सामने समाजवादी बने हुए थे। लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी कि जयप्रकाश जिस समाजवाद की बात कर रहे हैं, उसे वे खुद भी फॉलो नहीं करते। इतनी सी बात पर जयप्रकाश जी नाराज हुए और फिर उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर और इंदिरा गांधी की सत्ता ही पलट दी। इस कहानी को बताने का उद्देश्य ये है कि दुनिया में जितने भी वाद चल रहे हैं, उनके पीछे उद्योगपतियों का हाथ है। आप देखिए, इस समय अपने देश में राष्ट्रवाद चल रहा है। राष्ट्रवाद के लिए भी आखिर पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आ रहा है? हाल ही में आपने देखा चंदा कांड, ये पैसा चंदे से आ रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी वाद पूंजीवाद के बिना नहीं चल सकता। हालांकि किसी ने कहा है कि समाजवाद का रास्ता वाया वॉशिंगटन होकर जाता है। समाजवादी नेता से कभी ये पूछिए कि आपका खर्च कैसे चलता है, तो नाराज हो जाते। तो आज अपने वीडियो में हम एक ऐसे ही समाजवादी की बात करने जा रहे हैं, जिनका खर्चा पूछ लिया गया तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। हम बात कर रहे हैं लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा की। ये कांग्रेस पार्टी इस समय शराब के पैकारी वालों की पार्टी हो गई है। उसके पति को शराब के पैसे का नशा है। मिश्रा जी पिछले 10 साल से सांसद हैं और अपनी समाजवादी विचारधारा का प्रदर्शन वो करते रहते हैं। कैसे करते हैं? कभी किसी स्कूल में जाके टॉयलेट साफ करते हैं, कभी झाड़ू उठा के सड़क साफ करने लगते हैं। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक समाजवादी हैं।
दूसरों को वो एक कहानी भी सुनाते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे वो जेल गए थे और पुलिस की बड़ी प्रताड़ना उन्होंने सही है, ऐसी कहानियां वो सुनाते हैं। अब ये कहानियां कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि उस समय के समाजवादी जनार्दन आज के पूंजीवादी जनार्दन हो चुके हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उनका वो हलफनामा कह रहा है जो उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय दिया है। तो देखिए 2014 में अपने सांसद जी हजारपति थे, उनके खजाने में, उनके बैंक अकाउंट में, माफ कीजिएगा, उनके बैंक अकाउंट में मात्र 6,000 रुपए थे, 5,000 उनका और 1,000 उनकी पत्नी का। फिर 2019 के चुनाव में सांसद जी लखपति बन गए। और 2024 के चुनाव में सांसद जी अब करोड़पति। इस बात की तस्दीक ऐसे होती है कि सांसद जी की पत्नी एक वेयर हाउस चला रहे हैं। एक वेयर हाउस बनाने की कीमत तो आप लोग जानते होंगे, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए। हालांकि सांसद जी बता रहे हैं पोल खुलने के बाद सांसद जी ने बताया कि ये वेयर हाउस उनका नहीं बल्कि उनकी पत्नी का है। सांसद बनने के बाद एक वेयर हाउस मेरी पत्नी के नाम, पिछले साल हमने केनरा बैंक से 1,11,00,000 रुपए का कर्ज लेके पत्नी ने बनाया है। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि सांसद जी के बेटे का एक कंक्रीट की ईंटें बनाने का कारखाना भी है, हालांकि वो इस समय बंद है, लेकिन उस कारखाने के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह कारखाना 2014-15 के आसपास खुला था। क्यों खुला था ये हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर में शौचालय बनाने की योजना सरकार ने लॉन्च की थी, तो इसी योजना के बीच में सांसद जी ने अपना जुगाड़ फिट कर दिया, अपने बेटे को सीमेंट कंक्रीट की जो ईंट है उसको बनाने की एक फैक्ट्री खुलवाई और अधिकारियों पर ऐसा दबाव बनाया कि जितने ये शौचालय बने हुए हैं जिले में, ये सारी ईंटें इन्हीं की फैक्ट्री से गई। आपको हैरानी हुई या नहीं हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यहां हम आपको एक बात और बता दें, शहर में जितने भी सरकारी काम चल रहे हैं, निर्माण कार्य, उन निर्माण कार्यों में जो ईंटें और ये पेवर ब्लॉक्स वगैरह लग रहे हैं ये बीजेपी नेताओं की फैक्ट्री से निकल रहा है। चलिए अच्छा है, कम से कम बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को ईंटें बनाने का रोजगार दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात मैंने आपकी जानकारी के लिए बताई। इसके अलावा उन्होंने कितनी संपत्ति खरीदी या कितनी संपत्ति उनकी पैतृक थी, इसका सारा विवरण इस हलफनामे में लिखा हुआ है। उनके पास उनकी गाड़ियां हैं, वेयर हाउस है और आगे अभी पता नहीं और क्या क्या होगा। अब आप बताइए, 2014 में आपने वोट दिया और 2019 में भी आपने वोट दिया, आपको और आपके बच्चों को क्या मिला? हम बताते हैं क्या मिला। आपके बच्चों को मिला ये, आपके बच्चे आज भी बेरोजगार हैं, सांसद जी ने अपने बच्चों की व्यवस्था कर ली है, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आगे रोजगार की कोई संभावना भी नहीं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जनार्दन रिमही जनता की पसंद नहीं,
वो पसंद है प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की। तो मतलब ये हुआ कि चुनाव जनार्दन नहीं बल्कि राजेंद्र शुक्ला लड़ रहे हैं। तो जरा सोचिए कि यदि जनार्दन मिश्रा हारे तो फिर कौन हारेगा। खैर छोड़िए, बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो उनका चुनाव हारना असंभव है। भले ही सांसद जनार्दन मिश्रा ने कुछ ना किया हो, लेकिन रीवा बीजेपी वाले तो यही मान के चल रहे हैं कि सांसद जी चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन जब वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे तो जो भीड़ उनके साथ थी उससे ये पता चलता है कि लोग बीजेपी कैंडिडेट से खुश नहीं। हम पहले आपको बता चुके हैं कि सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा की जनता की पसंद नहीं, मतलब उन्हें जबरदस्ती जनता पे थोपा जा रहा है। सांसद जी के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, इसके बावजूद जो भीड़ थी वो 400-500 की ही। इससे आप अंदाज लगाइए कि असल में बीजेपी को राम मंदिर पर भरोसा है। राम पर उतना भरोसा नहीं है जितना राम मंदिर पर भरोसा है। राम पर भरोसा होता तो जरा इन चेहरों को देखिए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को राम पर भरोसा है? नहीं, बीजेपी को राम मंदिर पर भरोसा है और इसी राम मंदिर के सहारे वो तीसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं। बहरहाल ये वही राम है जिनको बीजेपी वाले लाए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बीजेपी वाले ही राम को लाए हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। इस मसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।